नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गार्डन में जब कोई इंसेक्ट आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि इसको हम कैसे रिमूव करें, कैसे इसको हटाएं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, क्योंकि काफ़ी क्वेरी मेरे पास आते हैं कि हमारे जो गार्डन है या हमारे प्लांट के अंदर कुछ कीड़े लग गए हैं, लेकिन उनको नाम नहीं पता होता कि कौन सा जो है इंसेक्ट है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। तो आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे इंसेक्ट बताऊँगा जो हमारे पेड़ पौधों को नुकसान देते हैं। इन इंसेक्ट की वजह से ही जो है फूल फल खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो प्लांट है वो मर भी जाता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे गार्डन के लिए अच्छे होते हैं, उन पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो कुछ बैड इंसेक्ट के ऊपर है, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो हमारे पौधों के लिए नुकसान देते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर इस वीडियो को आप सब ने लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए तो जल्दी हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मैं जो अच्छे वाले इंसेक्ट है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके उन इंसेक्ट्स के नाम बताता हूं और उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, एफिड। दोस्तों, फरवरी मार्च के अंदर जो एफिड है उसका बहुत अटैक होता है गार्डन एरिया में, जैसे कि काफ़ी क्वेरी भी आई है लास्ट कुछ दिनों में कि जो एफिड है वो हमारे प्लांटों में आ गया, उससे कैसे निजात दिलाएं। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। ये इंसेक्ट प्लांट का सैप जो है वो चूसते हैं। ये हरे, पीले, लाल और काले रंग के हो सकते हैं। ये एक वीक के अंदर ही इतने बढ़ जाते हैं कि दूसरे एफिड को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से देखते देखते ये पूरे प्लांट पर फैल जाते हैं और अपना कब्जा कर लेते हैं। ये स्टेम पर, लीफ पर और बड्स पर, सभी जगह पर जो है अटैक करते हैं। इनकी वजह से जो पत्तियां हैं वो कर्ल हो जाती है, जैसे कि मेरी मौसमी का जो प्लांट है उस पर ये लगा हुआ था। तो मौसमी की जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां होती हैं नई, वो कर्ल हो गई है सारी। तो इसका कारण वही है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट पत्तियां होती है, जो नई पत्ती होती है, उन पर अटैक करते हैं और उनको कर्ल कर देते हैं उनका रस चूस चूस कर, क्योंकि जब रस चूस लेते हैं वहाँ से पत्ती जो है वो मुड़ जाती है। मेरे आड़ू के प्लांट पर भी लगे हुए हैं, वहाँ पर उनकी जो पत्तियां हैं उनके नीचे ये बहुत सारे इन्होंने जो अंडे दे रखे हैं वहीं से छोटे छोटे बनकर निकल रहे हैं। तो जो पत्तियां हैं वो ऐसे हो गई है जैसे मुरझाई हुई हो, प्लांट जो है वो डल सा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर आपको भी अपने किसी प्लांट पर दिखे तो ये जब स्टार्टिंग में कुछ ही हो उसी टाइम पर अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे। वैसे तो मार्केट में और भी काफ़ी जो पेस्टिसाइड आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो आपको कहूँगी सबसे पहले जो है आप नीम ऑयल ट्राई कीजिए। नीम ऑयल का काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, मैं ट्राई कर चुका हूँ। मेरे जो आड़ू है उस पर मैंने ट्राई किया था, सारे जो है वो गिर गए हैं। मौसमी पर भी किया था और मौसमी पर जब मैंने दूसरे दिन देखा तो सारे जो है वो गिर गए थे, कुछ जो है पत्तियों पर पड़े हुए थे। तो नीम ऑयल स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको आपके नज़दीक के किसी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा, जो 100% है वो लेके आइए। बाकी जो सीड्स की शॉप पर मिलते हैं वो क्या अलग अलग कंपनी के होते हैं वो मत लेके आइए। अगर आपके वहाँ पे पंसारी की शॉप पर नहीं मिलता है तो मैं इसका एक लिंक है वो आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। नंबर 2, कैटरपिलर। ये इंसेक्ट एक ऐसा है जो मुझे जब मेरे गार्डन में दिखते हैं तो मेरा इसको मारने को बिल्कुल मन नहीं करता। ये बहुत क्यूट सा लगता है मुझे, जब ये चलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। असल में ये कीड़े से दिखने वाला कैटरपिलर एक यंग बटरफ्लाई है, यानी तितली का जो बचपन है वो कैटरपिलर होता है। इसे आप एक तरह का लार्वा भी मान सकते हैं। फिर जब बड़ा होता है तो ये प्यूपा में बदल जाता है। अब इसकी पूरी स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। जब तितली अंडे देती है तो अंडे से जो है इल्ली निकल के आते हैं, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। और वो निकलते ही, जब निकलता है तो अंडे का जो आवरण होता है उसको खाकर निकलता है और बाहर आते ही जो पत्ती हैं उसको खाना स्टार्ट कर देता है। और वो क्या है, पत्तियाँ खाता ही रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके नींबू के प्लांट पर ज़्यादातर, और जो अंगूर है उसकी पत्तियों पर, ये सारी पत्तियाँ ख़त्म कर देता है। ये सिर्फ पत्तियाँ खाता है और पत्तियाँ खाते खाते जब ये बड़ा हो जाता है तब ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने आप को एक ऐसी जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाता है। और वहाँ पर क्या है, जो जैसे मकड़ियाँ जाला बुनती है वैसे एक जाले से अपने आप को कवर कर लेता है चारों तरफ से। और उस आवरण को, यानी कि उस कवर को ही जो है कोकून भी बोलते हैं, या आप उसे पीपा भी कह सकते हैं। फिर कुछ दिन तक ये ना हिलता है ना कुछ खाता है, सिर्फ उसके अंदर बंद रहता है। और कुछ दिन बाद क्या है, धीरे धीरे जब अंदर ही अंदर ग्रोथ करता है तो ये तितली बनकर बाहर आता है। तो इस तरह से ये तितली बन जाती है और फिर उड़ जाता है। तो ये प्लांटों में ज़्यादा नुकसान नहीं करता, सिर्फ आपकी पत्तियां खाता है। अगर आपको वो भी निकलने देना तो आप इसको हाथ से निकाल कर भी या किसी चीज़ से निकाल कर प्लांट से दूसरे प्लांट पर डाल सकते हैं, अगर मारा नहीं जाए। और अगर आपके पूरे बाग वगैरह या ज़्यादा प्लांट्स है और उनमें ज़्यादा फैल गए हैं तो आप चाहें तो इसके लिए जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रास हॉपर। दोस्तों, इसे हिंदी में टिड्डा कहते हैं, मेरे यहाँ पर भी इसको टिड्डा बोलते हैं।
और इनकी बहुत सी प्रजाति पाई जाती है। हमारे गार्डन में जो टीडे आते हैं, जो रंगीन टीडे होते हैं, वो तो क्या इतने नहीं होते, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियाँ इतनी होती है जो कि लाखों की तादाद में एक साथ चलती है, और वो क्या है जब खेतों में जाती है तो पूरा खेत खाली कर देती है, यानी कि फसल को खराब कर देती है। ये अपने वजन के बराबर का हिस्सा जो है वो खा लेती है। देखा गया कि बहुत जगह पे जो है एक्सीडेंट भी इनकी वजह से हो जाता है, क्योंकि जब ये रोड से गुजरती है तो ये इतनी एकदम से आती है कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। किसानों के लिए काफी खतरनाक है। कुछ देशों में तो इसको खाया भी जाता है, वहां पे क्या है इनकी जैसे खेती करते हैं वैसे इनको पालकर उनको बेचा जाता है, फिर उनको लोग खाते भी हैं। और जब इनका जो ग्रुप आता है तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गार्डन की, तो अगर आपके गार्डन एरिया में ये इस तरह से आपको दिखते हैं तो आप उसका पहले से अगर इलाज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि जब आपको कुछ ये दिखे उसी टाइम पे आप जो स्प्रे वगैरह वो कर सकते हैं। नंबर 4, फ्रूट फ्लाई। दोस्तों जो फल मक्खी है इसके बारे में पहले भी काफी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और जिनको फलदार पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट है, क्योंकि बहुत सी क्वेरी मेरे पास आते हैं कि हमारे फल सड़ गए हैं या हमारे फल जो है के अंदर जो है कीड़े हैं वो हो गए हैं, तो ये सारे काम इसी की वजह से होते हैं। मेरे यहाँ इसको टुनटुन भी कहते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो है सिर्फ हमारे पौधों को नुकसान नहीं करती है, हमें भी नुकसान करती है। ये अगर काट ले तो वहां पे क्या है बहुत तेज दर्द होगा आपको, और सूजन भी आ जाती है, जैसे ततैया जो मक्खी है मधुमक्खी काटती है वैसे। फल मक्खी क्या करती है, फल के ऊपर बैठती है और उसके अंदर क्या है अपने जो अंडे है वो इंजेक्ट कर देती है, उसके अंदर अपने अंडे डाल देती है, जैसे कि आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, जिसकी वजह से फल जो है वो अंदर से सड़ना स्टार्ट हो जाता है और अंदर जो है इलियां है वो बन जाती है। फल मक्खी के लिए आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, बाकी ज्यादातर इसके लिए जो है जो ट्रैप होते हैं फ्लाई ट्रैप वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने भी एक वीडियो डाला था जो पीले रंग का जो फ्लाई ट्रैप है वो आप लगा सकते हैं। अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो मेलाथियन के नाम से एक स्प्रे आता है वो आप यूज कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट जब पकने लगे उससे कुछ दिन पहले जो आप इसका स्प्रे जो है 15 दिन में एक बार करते रहें। मेलाथियन अगर आपको मिल सीड्स की शॉप पर इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 5, स्लग एंड स्नेल। ये इंसेक्ट जो है वो रेनी सीजन में ज्यादा आते हैं, बारिश सीजन में आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे गमलों के आसपास छोटे छोटे हो जाते हैं। स्लग है ये क्या है गिले गिले होते हैं, लंबे से होते हैं थोड़े से, और जबकि स्नेल जो है वो छोटे होते हैं, जैसे जो शंख होता है शंख टाइप का एक इनका एक सेल होता है ये उसके अंदर रहते हैं, तो ये थोड़े थोड़े सा इनके अंदर अंतर है। ये हमारे पौधे की जो नाजुक पत्तियां होती है जो सॉफ्ट पत्तियां होती है उनको खा लेते हैं, बाकी ये इतनी जल्दी अटैक नहीं करते कि आपके प्लांट को तुरंत खराब कर देंगे। इनसे बचने के लिए एक तो आप अपने पेड़ पौधे के पास ज्यादा पानी इकट्ठा ना रहने दे, ज्यादा नमी ना रहने दे, और फिर भी आपके प्लांटों में ये हो गए हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले जो शोपी वाटर है जो साबुन का पानी होता है वो आप ट्राई कीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी करके उसको ट्राई कीजिए। अगर उससे भी ना जाए तो जो सिरका होता है जो विनीगर होता है व्हाइट विनीगर, उसका जो है स्प्रे जो है वो अपने प्लांट के आसपास, प्लांट पे मत कीजिएगा प्लांट के आसपास कर दीजिए, क्योंकि इसकी स्मेल से भी जो है स्लग और स्नेल है वो के प्लांट के नजदीक नहीं आएंगे। नंबर 6, स्टिंक बग। इस बग से जो है एक अजीब सी गंदी सी बदबू आती है जिसकी वजह से इसका नाम स्टिंक बग पड़ा है। ये गार्डन में पौधों को नुकसान भी करता है, ये फ्रूट के अंदर कुछ केमिकल छोड़ देता है, जैसे कि हमारे फ्रूट फ्लाई है उसी तरह से ये भी इंजेक्ट करता है। ये फ्रूट के अंदर कुछ केमिकल ऐसा छोड़ता है जिससे कि ये फ्रूट वहां से नरम हो जाता है, जिससे कि ये इजीली जो है उसका सैप जो है जो रस है वो पी सके। उससे ये होता है कि अंदर जो केमिकल ये छोड़ता है उससे जो फ्रूट है वो खराब होने लग जाता है। बाहर से आपको फ्रूट बिल्कुल अच्छा लगेगा लेकिन अंदर से जो है वो फ्रूट खराब निकलेगा, तो ये काम इसका हो सकता है स्टिंक बग का। इसकी वैसे तो बहुत सी प्रजाति पाई जाती है, मेरे यहाँ पे भी जो जामुन के जो पेड़ है उनके अंदर इसकी एक वैरायटी देखी जाती है, जो मेरे यहाँ पे उसको बोलते थे हम जामुन की जू, उसमें भी बहुत सारी स्मेल आती थी, और वो क्या है इसके बार्क के ऊपर ऐसे चिपक जाती थी, क्योंकि ये ब्राउन कलर की होती है तो दिखती नहीं थी बार्क पर। अगर आपके गार्डन में ये आपको दिखे तो आप सबसे पहले जो नीम ऑयल है उसका स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल से काफी हद तक ये कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन ज्यादा फैल गई है तो इसके लिए आप जो दूसरा कोई स्प्रे है वो यूज कर सकते हैं। नंबर 7, कोलोराडो पोटैटो बीटल। दोस्तों आलू बीटल भी कहते हैं, और इसे 10 लाइन वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है 10 लाइन होती है। इस वजह से ये आलू के पौधों में ज्यादातर देखा जाता है। ये क्या है आलू के पौधे के जो पत्ते हैं वो खा जाते हैं, और ये इतनी तेजी से खाते हैं कि पूरा प्लांट जो उसके पत्ते गायब कर देते हैं। अगर ये कीट आपके यहाँ प्लांटों पे आ जाए तो तुरंत उस पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, या आपके पास कोई भी इंसेक्टसाइड स्प्रे है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंसेक्ट्स है जो हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे बचने के लिए बहुत सी दवाइयां आपको मार्केट में मिल जाएगी, सीड्स की शॉप पर मिल जाएगी, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप जो है इनका जो बचाव है वो कीजिए। इनके बचाव कैसे करना चाहिए इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नीम ऑयल का जो काफी अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप अच्छे से उसको ट्राई करते हैं तो, और नीम ऑयल एक तो जो सीड्स की शॉप पर मिलते हैं बने बनाए वो मत लेके आइए, पंसारी की शॉप में मिलेगा आपको वो आप लेके आइए, जो कि मैं वीडियो में एक बार मैंने बताया भी था वो ले आइए।
अगर वो आपके यहाँ पे ना मिले तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन से कीट जो है ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे बहुत से कीट्स होते हैं जैसे कि मिलीबग है, मिलीबग भी काफी परेशान करता है सभी को। मिलीबग के ऊपर भी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसका भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।